यह कहानी रक्षाबंधन पर आधारित है। आइए जानते हैं रक्षाबंधन क्यों मनाते हैं। एक दिन विहार करते हुए अवकंपनाचार्य मुनिराज अपने 700 शिष्यों मुनिराजों के साथ उज्जैन नगरी में पहुँचे। अवकंपनाचार्य को कुछ आभास हुआ कि कुछ गलत होने वाला है। उन्होंने अपने सभी 700 शिष्यों को मौन रहने के लिए कहा, मतलब कुछ नहीं बोलना। सभी मुनियों ने ऐसा ही किया। थोड़ी ही देर में उज्जैन के राजा श्री वर्मा अपने चारों मंत्रियों के साथ वहां पधारे, मतलब आए। उनका नाम है बलि, बृहस्पति, प्रहलाद, नमोची। राजा ने सभी मुनिराजों को नमस्कार किया, पर सभी मुनिराज मौन थे, किसी ने आशीर्वाद भी नहीं दिया। चारों मंत्रियों ने राजा को कहा, देखिए कोई भी आपको आशीर्वाद भी नहीं दे रहा है, शायद इनको कोई ज्ञान ही नहीं है। वो हंसने लगे और वहाँ से चले गए। रास्ते में श्रुत सागर जी महाराज नगर की ओर आहार करके आ रहे थे। रास्ते में चारों मंत्रियों ने महाराज को कहा, देखो कैसे बैल जैसे चल रहे हैं। श्रुत सागर जी महाराज ने अपने गुरु की बात नहीं सुनी थी, वे मौन नहीं रहे, इसलिए उन्होंने सरलता से चारों को समझाया व सारे प्रश्नों का उत्तर दिया। राजा महाराज जी की बात से खुश हो गए और चारों मंत्रियों को बड़ा अपमान महसूस हुआ राजा के सामने। श्रुत सागर जी ने सारी बात आचार्य श्री को बताई तो आचार्य श्री ने कहा, हो सकता है मंत्री बदला लेने आए, इसलिए आप पूरी रात मौन रहना और वही साधना करना जहां आपका विवाद हुआ था, इस प्रकार पूरा संघ भी सुरक्षित हो जाएगा। उन्होंने ऐसा ही किया। सच में वो चारों मंत्री तलवार लेकर मुनिराज को मारने उस जगह पर पहुंचे। जैसे ही उन्होंने तलवार उठाई, वहां वन देवी प्रकट हो गई और चारों को एक साथ पत्थर में बदल दिया, जैसे कोई मूर्ति होती है ना ऐसा। पूरी रात वह ऐसे ही रहे। सुबह जब सबको पता चला, राजा श्री वर्मा ने चारों मंत्रियों को उज्जैन से निकाल दिया। उज्जैन से निकलने के बाद वो सब हस्तिनापुर पहुँचे। वहाँ के राजा पद्म थे, उनको खुश करने के लिए चारों मंत्रियों ने बहुत मदद की। राजा ने खुश होकर उन्हें वरदान दिया, जो चाहो मांग लो। इधर अवकंपनाचार्य भी अपने 700 शिष्यों के साथ हस्तिनापुर पहुँचे। जैसे ही चारों मंत्रियों को पता चला कि मुनि संघ हस्तिनापुर आया है, उनको बहुत गुस्सा आने लगा और बदला लेने के लिए उन्होंने योजना प्लान बनाया और पद्म राजा से अपना वर मांगा, हमें आपका राज्य 7 दिनों के लिए चाहिए, हम इसके राजा हो। राजा पद्म ने उनकी इच्छा पूरी की और उन्हें राज्य दे दिया। जैसे ही वह राजा बने, उन्होंने जहाँ मुनिराज ठहरे हुए थे उस जगह को बड़ी बड़ी लकड़ियों से कवर कर दिया और उसको आग लगा दी। तब मुनिश्रत सागर जी महाराज मिथिला नगरी में थे और उन्हें ज्ञान हुआ कि एक तारा कांपता हुआ दिख रहा है और उन्होंने हा शब्द सुना। तब उन्होंने अपने ज्ञान से जाना कि अवकंपनाचार्य जी और उनके शिष्यों पर उपसर्ग किया जा रहा है। उनके शिष्य विष्णु कुमार के पास विक्रिया रिद्धि है, जिसके उपयोग से वे मुनिराजों को उपसर्ग दूर से दूर कर सकते हैं। विक्रिया रिद्धि क्या होती है आपको पता है? जिसमें आप अपने शरीर को बड़ा छोटा कर सकते हैं। श्रुत सागर जी ने अपने शिष्य को विष्णु कुमार के पास भेजा कि वह अवकंपनाचार्य जी के संघ की रक्षा करे। विष्णु कुमार मुनिराज को तो पता ही नहीं था कि उनके पास ऐसी कोई रिद्धि है। उन्होंने अपना हाथ दूर तक पहुंचा कर देखा, तब उन्हें पता चला कि उनके पास स्पेशल पावर है। फिर मुनि विष्णु कुमार शीघ्र ही हस्तिनापुर गए। वहाँ हस्तिनापुर के राजा पद्म उनके भाई थे। उन्होंने कहा, यहाँ आपके राज्य में मुनिराजों पर ये कैसा अत्याचार हो रहा है। राजा पद्म को
बहुत दुख हुआ, उनकी आंखों में आंसू आ गए। अब मैं यहाँ का राजा 7 दिनों के लिए नहीं हूँ, वे मंत्री ही यहाँ के राजा है। मुनि विष्णु कुमार ने सबसे पहले अपना मुनि पद छोड़ा और वामन का रूप लेकर मंत्रियों के पास पहुँचे और अपनी मीठी मीठी बातों से मंत्रियों को प्रसन्न किया। प्रसन्न होकर उन्होंने वामन रूप विष्णु कुमार को कुछ मांगने के लिए कहा। विष्णु कुमार ने कहा, मुझे धरती के 3 कदम चाहिए। सब हंसने लगे, तुमने अपने अनुसार छोटा दान ही मांगा, पर विष्णु कुमार को तो विक्रिया रिद्धि थी। तो जैसे ही उन्होंने अपना आकार बड़ा किया और 1 कदम उन्होंने सुमेरु पर्वत पर लगाया और दूसरा कदम मानुषोत्तर पर्वत पर, मतलब 2 कदम में ही पूरी धरती नाप ली। अब तीसरा कदम कहाँ रखे? सो मंत्री डर गए और मुनि विष्णु कुमार के चरणों में गिर गए और क्षमा मांगने लगे, सॉरी बोलने लगे। विष्णु कुमार ने देखा कि चारों मंत्रियों को अपनी गलती का एहसास हो गया, तो वह अपने उसी रूप में आ गए और अकंपनाचार्य व 700 मुनिराजों का उपसर्ग भी दूर कर दिया और चारों ओर शांति छा गई। मुनि विष्णु कुमार ने घोर तपस्या की और उन्हें मोक्ष हो गया। वह चारों मंत्रियों ने भी जिन धर्म अपना लिया। आपको पता है बच्चों, वो कौन सा दिन था जब मुनिराजों का उपसर्ग दूर हुआ था? हाँ, श्रावण मास की पूर्णिमा का दिन, जब मुनिराजों की रक्षा हुई। इसलिए सब अपने हाथों में रक्षा सूत्र बंधवाने लगे और यह दिन रक्षाबंधन की